नमस्कार किसान भाइयों, कैसे हैं आप? सलाम वालेकुम। आज मैं आप सब लोगों के सामने दूसरी बार उपस्थित हुआ हूँ। आज का अपना मेन विषय है ये अपना डबल लाइन वाला सिंगल बॉक्स, जो आप एक साथ में दो रोपे बुआई कर सकते हो। तो एडजस्टेबल है, इसमें आप 8 इंच 9 इंच 10 इंच के अपने डिस्टेंस के हिसाब से इसमें बुआई कर सकते हो। इसमें मक्का तो बुआई कर सकते हो। ये अपना मल्टीपर्पज सिंगल है। तो आज हम जो आप सब लोगों को लूज में यहाँ से किट भिजवा रहे हैं, तो बहुत से किसानों का कॉल आ रहा है कि भाई डबल लोगो वाला जो सिटी है उसमें फिटिंग करने में थोड़ी परेशानी हो रही है। तो आज मैं अपने ये वीडियो से पूरा का पूरा कैसे फिटिंग होता है वो आपको दिखाता हूँ, ताकि क्या है कि आपको थोड़ा फिटिंग करने में आसानी महसूस हो और आप आसानी से वो फिटिंग कर पाओ। सिर्फ 10 से 12 मिनट में आप पूरा का पूरा सिटी फिटिंग कर सकते हो। इसमें जो ये सब पार्ट्स आ रहे हैं, ये है मेन शाफ्ट। तो मेन शाफ्ट में दोनों खुरपियों, ये आ गया अपना लॉकिंग वाला सिस्टम, जिसको लॉकिंग स्लीव बोला जाता है। फिर बाद में उसमें एक गियर डाल दिया, अब आ गया ये दूसरा फोर्किंग वाला पाइप। उससे पहले फोर्किंग के पाइप से पहले उस पर लॉकिंग वाला स्लीव डाल दिया। अब ये दूसरा फोर्किंग वाला पाइप आ गया, दूसरी साइड में भी लॉकिंग वाला स्लीव बैठेगा, उसमें जो आपको जहाँ एडजस्ट करने का है वहाँ लूज करके एडजस्ट करने के बाद फिर वापस और स्लीव को टाइट कर देना है आपको। अब उसको लग गया है पहिया दोनों, अब सब नट बोल्ट सही तरीके से टाइट करना है। ये चक्कर का बोल्ट टाइट हो गया, दोनों साइड के चक्कर का बोल्ट टाइट कर दिया। जो पार्ट शाफ्ट में पार्ट दिया हुआ है उसमें ही आप टाइट कीजिएगा। ऊपर वाला जो बॉक्स है वो हमने पाइप में बिठा दिया। आपको जहाँ भी एडजस्ट करना है, आप इसके डिस्टेंस पर एडजस्ट करना है, तो यहाँ से यहाँ 8 इंच नाप के यहाँ से दोनों लॉकिंग वाला स्लीव को टाइट कर दिया। Thank you.
तो दोनों स्लीव को लॉक कर दिया जी। हम खाली टाइट था तो बताओ जी क्या है। तो आपका कंप्लीट फिटिंग हो गया। अब जो आएगा वो हैंडल वाला हिस्सा आएगा जिससे आप सिडिल को फिट पाओ। ये छोटा वाला पाइप बैठेगा ऊपर के डिब्बे में। जो एडजस्टेबल पट्टी दिया हुआ है ये दोनों पाइप के साथ में आएगा। ये हैंडल वाला पाइप कैप्सूल होल दिया हुआ है जिसमें इसको आपको डिस्टेंस के हिसाब से आगे पीछे सरका सकते हैं। नीचे जो फार के साथ में जो पट्टी दिया हुआ है वो पट्टी इसके साथ में लगेगा। आपका मेन फिटिंग वाला हिस्सा हम देखिए पीछे ट्यूब में जो बोल्ट दिया हुआ है वो बोल्ट भी सही तरीके का टाइट कीजिएगा। अब पीछे के साइड में मिट्टी कितने वाला पाउडर लगेगा। जो मिट्टी आगे खुदाई होती रहेगी उसको हल्का सा पीछे खींचता रहेगा।
भैया साथ में हैंडल के दो पाइप दिया हुआ है, दो पाइप एक दूसरे के अंदर मेल फीमेल बच जाएगा। इसमें दो बोल्ट दिया हुआ है, अब ये लंबा पाइप छोटे पाइप के अंदर और वहां से उसको बोल्ट लगा के टाइट कर दिया। नीचे दो कुर्पी दिया हुआ है, एक कुर्पी को यहाँ एक बोल्ट लगा हुआ है। इसमें जितना आपको जमीन में ज़्यादा घुसाने का हो तो यहाँ से बोल्ट खोल के और उसको टाइट कर दिया। अगर आपको कम उसके डीप में बीज को कम ऊंडाई में डालना है तो उसको इसे ऊपर उठा लीजिए, ज़्यादा उठाई भी इसको ऐसे कर लीजिए ताकि